नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अचूक प्राचीन टोटके में। दोस्तों, आज हम आपको वह गुप्त हनुमान मंत्र बता रहे हैं जिसे हनुमान जी को अपने पास बुलाने का सभी मंत्रों में से उत्तम मंत्र बताया गया है। इसको आपको सिर्फ सोने से पहले बोलना है और यह मंत्र इतना पावरफुल बताया गया है कि अगर सही उच्चारण इस मंत्र का हो तो व्यक्ति किसी को भी अपने वश में तक कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो आपने हनुमान जी के कई शक्तिशाली मंत्रों के बारे में सुना होगा, परंतु इस पावरफुल हनुमान मंत्र के बारे में शायद आज आप पहली बार सुनेंगे। दोस्तों इस मंत्र में बहुत सारी शक्तियां समाहित है जो स्वयं हनुमान जी के पास थी। हनुमान जी की शक्तियों को तो आप जानते ही होंगे, वे अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता थे। अपने शक्तियों के द्वारा वे अपने शरीर को इतना छोटा बना सकते थे कि एक अणु भी उनके सामने कई गुना बड़ा लगे, और वही वे अपने शरीर को इतना बड़ा बना सकते थे कि पूरी गैलेक्सी भी उनके सामने चींटी सी बन जाती है। केवल अपने पूंछ से ही उन्होंने पूरी लंका जला दी थी, और भगवान श्री राम की काज की भी उन्होंने हजार योजन दूर समुद्र को भी पार कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने सूर्य को भी कई दिनों तक अपने भूमि में रखा। तो दोस्तों, जितनी पावरफुल हनुमान जी की शक्तियाँ हैं उतना ही पावरफुल इस मंत्र को शास्त्रों में बताया गया है, परंतु ध्यान रखें इसका उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है या कोई परेशानी आपको लगी है जिस कारण आपका मन काम में भी नहीं लग पाता, या फिर परेशानी इतनी बड़ी है कि सारी दिन आप परेशानी के बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसी परेशानी को तुरंत खत्म कर देता है यह मंत्र। इसके साथ ही अगर कोई बीमारी आपको लगी है जो कई सालों से आपको परेशान कर ही रही है, यानी इसका कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली साबित होता है। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर धन इत्यादि को अगर आप कई गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, धन संपत्ति से संपन्न होना चाहते हैं, तब भी यह गुप्त हनुमान मंत्र आपके लिए बहुत चमत्कारी साबित होने वाला है। बस दोस्तों, शर्त इतनी है कि जब भी आप इस हनुमान मंत्र का उच्चारण करें तो एकदम सही ढंग से, यानी बगैर गलती करे आप इस मंत्र को बोल दें। दोस्तों, यह इतना पावरफुल है कि कुछ ही क्षणों में इसका असर आपको अपने सामने देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस मंत्र को जपने का सही समय और सही दिन हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सही दिन इसका है मंगलवार, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह पावरफुल मंत्र हनुमान जी का है और हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार। अब हम आपको बताएंगे सही समय। सही समय है दोस्तों रात के 11 से 1 बजे के बीच का, क्योंकि दोस्तों इस समय वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, सभी जीव जंतु इत्यादि भी सो जाते हैं, और ऐसे में ध्यान लगाना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना ध्यान ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ बिल्कुल शांति हो, और उस समय में अपना ध्यान लगाते हैं जब उन्हें बिल्कुल शांति मिली हो, क्योंकि इस समय ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और किसी भी मंत्र का जाप करने के समय यह बहुत असर दिखाता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन सबसे पहले आप सुबह नहा धोकर किसी भी हनुमान मंदिर जाए, हनुमान जी की पूजा करें और दिन भर हनुमान जी का ध्यान आप करें, या फिर कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। इसके बाद जैसे ही रात का समय आता है, करीब 12 बजे से 1 बजे तक के समय के बीच आपको यह मंत्र का जाप करना है। घर का कोई भी आप ऐसा कोना ढूंढ ले जहां आपको कोई परेशान ना कर सके, वहां जाकर हनुमान जी की मूर्ति अगर हो तो वह आप अपने सामने रख ले, या फिर हनुमान जी की फोटो हो तो उसे भी आप अपने सामने रख ले, और एक घी का दीपक और धूप अगरबत्ती आप जला ले। और अब सबसे पहले आपको 5 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी दोनों आंखें बंद करके आपको अपने मन में केवल और केवल हनुमान जी को स्मरण करना है, ध्यान करना है कि हनुमान जी आपके सम्मुख है। केवल 5 मिनट आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ध्यान करना है कि हनुमान जी आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। हनुमान जी का ध्यान आप करते रहें। जब आपको लगने लगे कि हाँ, आपको अब अपने सामने साक्षात हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों मंत्र है, उस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र है, हनुमान जाग कीलकारी मार, तू हुंकारे राम काज संवारे, ओढ़ सिंदूर सीता भैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीता तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमान श्री राम जी और सीता मैया के दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों, यह मंत्र आपको उसी समय बोलना है जब आप ध्यान कर रहे हो। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप
इस मंत्र का पहले ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब आप इस मंत्र का उच्चारण सही ढंग से कर सकते हैं, तो किसी भी मंगलवार के दिन जैसा हमने बताया वैसा आपको करना है, ध्यान लगाना है हनुमान जी को, आपको अपने ध्यान में लाना है और उसके बाद आंखें बंद करके ही इस मंत्र को आपको बोल देना है। दोस्तों, बस एक बार इस मंत्र का जाप काफ़ी है। बिल्कुल सही ढंग से अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो हनुमान जी का साहित्य आपको उसी समय प्राप्त होगा, उसी क्षण आपको इस मंत्र का प्रभाव दिखेगा और जो भी उस समय आप सोचोगे जिस भी कार्य के लिए वह कार्य तुरंत संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।